हेलो गाइस, फाइनली कौन सबके पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज के वीडियो में मैं दो प्लगइन और बताऊंगा। अगर आप बस ये दो प्लगइन को जानना चाहते हो तो आपको पार्ट 1 2 देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप प्रोफेशनल कौन सबके लिए वीडियो देख रहे हो तो पार्ट 1 2 देखने के बाद ये पार्ट 3 देखना, और इसके बाद एक पार्ट 4 होगा जिसके अंदर मैं आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूंगा। और आज के वीडियो में मैं ये दो प्लगइन बताऊंगा। पहला प्लगइन है सेल वॉन्ड, सेकंड प्लगइन है डीलक्स टैग्स। ये दोनों प्लगइन आपको गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में जाओगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अलग होस्टिंग यूज करते हो तो ही डाउनलोड करना, अगर एटर्नस यूज करते हो तो बस आप एटर्नस के अपने सर्वर में जाके प्लगइन वाले सेक्शन में जाना, और यहाँ पे आप पहले सेल वॉन्ड सर्च करना, सेल वॉन्ड लिख के एंटर करोगे तो जो पहला प्लगइन आएगा इसके ऊपर क्लिक करना और इसके लेटेस्ट वर्जन को डाल देना। बस मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है तो दोबारा नहीं डालता हूँ। उसके बाद आपको सर्च करना डीलक्स टैग्स। टैक्स लिखोगे तो आपको एक ही प्लगइन आएगा ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना और इसके भी लेटेस्ट वर्जन को आपको डाल देना है। मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, आपको दोनों प्लगइन डालना है और सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाकर अपने सर्वर को स्टार्ट है तो रिस्टार्ट करना है, और अगर बंद है तो स्टार्ट कर लेना है। तो मैंने पहले से प्लगइन डाल के रिस्टार्ट वगैरह कर लिया है, तो रिस्टार्ट करने के बाद आप अपने सर्वर को दोबारा ज्वाइन करना। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेल वॉन्ड लिखोगे ना तो आपको ये तीन ऑप्शन आएगा। तो आपको सेल वॉन्ड गिव लिखना है, स्पेस देके प्लेयर का नाम लिखना है, और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा टायर 1 टायर 2 टायर 3। सेल वन प्लगइन में क्या होता है, आपको टायर 1 टायर 2 टायर 3, जैसे मैं टायर 1 लिखा तो देखो मेरे को एक स्टिक मिल गया, वैसे ही मैं टायर 2 लिखूंगा तो मेरे को एक और स्टिक मिलेगा, टायर 3 लिखूंगा तो एक और स्टिक मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपको सेल वन प्लगइन से आपको एक स्टिक मिलता है जिसमें पावर होता है कि चेस्ट में कोई भी आइटम है ना तो उससे आप क्लिक करके सारे आइटम को एक बार में सेल कर सकते हो। और अगर आप टायर 1 से सेल करोगे ना तो आपको उसका जो आपके सर्वर में जो शॉप का प्लगइन होगा उसमें जो आपका उस आइटम का डेल प्राइस होगा उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा 1 इंटू। अगर आप टायर 2 से करोगे तो आपको डेढ़ गुना ज्यादा प्राइस मिलेगा, मतलब 1.5 इंटू आपको प्राइस मिलेगा। और अगर आप टायर 3 का स्टिक यूज करोगे तो आपको डबल प्राइस मिलेगा। और जो टायर 1 है आप इस स्टिक को एक मतलब एक बंदा 100 यूज कर सकता है एक स्टिक को, और टायर 2 को 500 यूज कर सकता है, और जो टायर 3 है उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो बस सेल 1 प्लगइन में ये तीन आइटम मिलता है। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ, और इसमें थोड़ा सेटिंग भी है वो भी करवाता हूँ, लेट्स सी। और उसके बाद मैं आपको डीलक्स टैग के बारे में भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्रिएटिव होके यहाँ से एक चेस्ट ले लेना है, चेस्ट। तो ये मैंने चेस्ट ले लिया, और चेस्ट में कोई आइटम डालने के लिए आइटम ले लो जिसको हम लोग बेचेंगे और बेच के पैसे कमाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पॉट्स ले लिया, ये ले लिया, ये सब जो शॉप में होता है ना। बट ये बता दूं अगर सेल वन प्लगइन आप अपने सर्वर में डाल रहे हो तो उससे पहले आपके सर्वर में कोई ना कोई एक शॉप होना चाहिए, जैसे कि मैंने एटर्नल में इकोनॉमी शॉप हुई ऑलरेडी डलवा के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देखना, उसको देख के पहले शॉप डाल लेना, शॉप डालने के बाद ही ये प्लगइन काम करेगा, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो चेस्ट रखता हूँ और चेस्ट के अंदर मैं ये सारे आइटम को डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं टायर 1 से क्लिक करूंगा तो आइटम है पर लिख आएगा नथिंग टू सेल इन द चेस्ट। टायर 2 से भी सेम आएगा और टायर 3 से भी कि कोई आइटम नहीं है चेस्ट के लिए। अगर इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर भी जो होलोग्राम में लिखेगा कि 0 आइटम और 0 प्राइस। ये इस लिख के आ रहा क्योंकि हमारा जो शॉप है वो इकोनॉमी शॉप हुई है, और ये जो प्लगइन है उसका हमने लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सर्वर में जाना है, और सर्वर में जाने के बाद फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाओ, फिर प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन के फोल्डर में जाओ, और उसके बाद आप सेल वॉन्ड का जो फोल्डर बना होगा उस फोल्डर में जाना है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे हमें सेल वॉन्ड का फोल्डर है, इसके अंदर जाना है, और आपको कॉन्फिग में कुछ नहीं करना, लोकल में कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, जो आपका ये worth.yml का फाइल होगा इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे आपको देखो हुक जो है ना, हुक कस्टम है, आपको कस्टम को काट देना है, और आपका जो भी शॉप यूज करते हो अपने सर्वर में, जैसे शॉप वी प्लस यूज करते हो तो ये नाम लिख देना है, जेड शॉप यूज करते हो तो ये लिख दो, इसेंशियल कर मतलब जो शॉप यूज करते हो वो लिख दो। तो हम जो शॉप यूज करते हैं उसका नाम है इकोनॉमी शॉप वी ये वाला, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और हुक के पास ये लिख दूंगा एक स्पेस देके, ठीक। तो ये नाम आपको बस इतना लिख दो, आपका काम हो गया, इसको सेव कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक। बस इतना करने के बाद अब अगर आप जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं सेल वन रीलोड करूंगा ना, सेल वन रीलोड, तो भी आई थिंक काम नहीं करेगा, लेट्स सी, देखते हैं। रीलोड मैंने कर दिया और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी भी काम नहीं कर रहा, आपको वहां पे जो भी सेटिंग नहीं, ये काम कर गया पर बाकी काम नहीं किया, ठीक। तो आपको प्रॉपर काम नहीं करेगा अगर आप रीलोड करोगे तो इसलिए आप जब भी वो सेटिंग करके सेव करना तो उसके बाद एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना, और रिस्टार्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर काम करेगा और कैसे डबल प्राइस, टायर 1 में कम प्राइस, टायर 2 में ज्यादा प्राइस, टायर 3 में डबल प्राइस मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम डीलक्स टैग की बात करेंगे, ठीक। बाकी मैंने कुछ बंदों को बोला था कि पार्ट 3 में मैंने पूरा
कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो वो कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पार्ट 3 में जो सेल वॉन्ड और डीलर टैग बता रहा हूँ इसका ही कॉन्फिग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और जो लास्ट पार्ट होने वाला है पार्ट 4 वो काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि उसमें आपको हर एक का अलग अलग कॉन्फिग है, हर एक का कॉन्फिग समझाऊंगा, एडिट करने बताऊंगा, तो वो ऑलरेडी लंबा वीडियो होगा, तो दोनों एक में बताऊंगा ना तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा और लंबा वीडियो भी हो जाएगा, इसलिए मैंने पार्ट 3 में ये होगा और पार्ट 4 में फाइनल आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होने वाला है, उसका वेट जरूर करना, और तब तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, इतना मस्त कंटेंट ला रहा हूं, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, थैंक यू प्लीज। तो देखो सर्वर स्टार्ट होने के बाद फिर आपको गेम के अंदर जाना है, अपने सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। तो देखो मैंने लॉग इन कर लिया, अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्रिएटिव पहले होता हूँ और क्रिएटिव होकर मैं आपको तीन तो ये तीन लेता हूँ सेम की मैं आपको तीनों से अलग अलग करके बेचू और प्राइस दिखा दो, ठीक। तो मैंने एक एक स्टैक तीन तो ये ले लिया जंगल लॉग को, तीन स्टैक ले लिया, ठीक। फिर मैं चेस्ट रखूंगा और चेस्ट के अंदर पहले देखो मैं एक स्टैक डालूंगा और मैं टायर 1 से खरीदूंगा, तो ये देखो टायर 1 से मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा $48 में बिकली हुआ है, मतलब टायर 1 से उसका प्राइस जो नॉर्मल हमारा इकोनॉमी शॉप गुई का प्राइस है उस हिसाब से $48 मिला है, ठीक। अगर आप इकोनॉमी शॉप में फेल करोगे तो आपको एक स्टैक का 48 मिलेगा, वो 1 into नॉर्मल मिला है। अब वहीं पे अगर मैं इसके अंदर एक और स्टैक डालता हूं और उसको टायर 2 से बिक्री करता हूं तो ये देखो मेरे को $72 एक स्टैक का, जो टायर 1 से $48 मिला वो $72 टायर 2 से मिला। वैसे अगर मैं इसमें एक और डालता हूं और टायर 3 से करूंगा तो ये डायरेक्ट डबल हो जाएगा जो कि 96 हो चुका है, ओके। तो पहले हमें मिला 48 टायर 1 से, टायर 2 से 72 और टायर 3 से 96, 48 का डायरेक्ट डबल। बाकी अगर मैं यहां पे अब देखूं तो ये देखो स्टिक का जो यूजेज है 99 हो चुका है एक काम, इसका 498 हो चुका है और इसका तो एकदम इन्फिनिटी, अभी ये अनलिमिटेड है टायर 3। तो आप इस ये तीनों टायर जो है ना स्टिक इनको हम अपने कॉइन शॉप के अंदर डालेंगे जिससे लोग बंदे कॉइन शॉप में इसको खरीद पाएंगे। तो ये कैसे डालेंगे वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, बट आपको ये सेल वॉन्ट का यूजेज क्या होता है वो समझ चुके हो, तो इसको कैसे ऐड करना वो भी समझ चुके हो, बस इतना काम है इस वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं डीलर टैग में, बाकी इन सबको कॉइन शॉप में कनेक्ट कैसे करूंगा वो आपको फाइनल पार्ट में ही पता चलेगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो अब डीलर टैग की बारी है, तो डीलर टैग के लिए आपको फ्लैश टैग्स लिख के इंटर करोगे ना तो आपका डीलर टैग का मेनू ओपन होगा जिसमें एक पहले से एग्जांपल के लिए ये टैग होता है जिसका नाम डीलक्स टैग है, यहाँ पे आप अलग अलग टैग क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो अलग अलग टैग क्रिएट करोगे बंदे इस टैग को कौन सबसे खरीदेंगे, जैसे समझ लो ये डीलक्स टैग का एक टैग है इसको बंदे यहाँ से कौन सबसे खरीदते हैं तो उनको ये टैग मिल जाएगा, वो अगर आप चैट में हेलो लिखेंगे तो उनके नाम के बाद ये डीलक्स टैग लिख आएगा, जो कि अभी हमारे अंदर मेरे अंदर ये लिख आ रहा क्योंकि मैंने टेस्टिंग में ऐड किया था। आपको जब पहली बार प्लगइन डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, आप टैग सिलेक्ट कर लोगे तो भी कुछ नहीं आएगा, तो वो लाने के लिए आपको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, वो क्या है वो भी मैं आपको चलो दिखाता हूँ, ठीक। तो उसके लिए फिर से आपको अपने सर्वर में जाना है, ओके। अब सर्वर में जाने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है, फिर प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन के फोल्डर के अंदर जाना है, और उसके बाद आपको डीलक्स टैग का फोल्डर दिखेगा, ये वाला डीलक्स टैग का फोल्डर, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर आपको config.yml होगा, इसको आपको क्लिक कर लो। इसके अंदर जाने के बाद ये देखो ये है हमारा एसेंशियल चैट, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं ना उसमें वो हमारा एसेंशियल चैट का चैट वगैरह होता है वो यूज होता है। तो आप पहले से एसेंशियल एक्स चैट का प्लगइन वगैरह सर्वर के अंदर होना चाहिए, तो एसेंशियल एक्स के कारण ये जो हम प्लगइन डालते हैं ये हमारा चैट वगैरह नहीं दिखता, तो हमको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। यहाँ पे देखो एक डीलक्स चैट होता है उसका ये पहले से सेटिंग होता है जिसमें परसेंटेज होता है, एसेंशियल एक्स के लिए आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है इसके प्लेस होल्डर में, तो उसके लिए आपको क्या क्या चेंज करना है वो देखो। आपको सबसे पहले नीचे जाना है और यहाँ पे पापी चैट होगा इसके ट्रू को काट के फॉल्स कर देना है, ये हो जाएगा फॉल्स। उसके नीचे फॉर्मेट चैट है ये अगर ट्रू है तो इसको भी फॉल्स कर देना, ये लोड टैग ऑन जॉइन है ये ट्रू होगा तो इसको भी फॉल्स कर देना। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे आपको गुई के बाद जितना भी आपको ये प्लेस होल्डर दिखेगा ना उनमें प्लेस होल्डर के आगे देखो परसेंटेज है और लास्ट में भी परसेंटेज है, और प्लेस होल्डर चार ही है, एक जो है डीलक्स टैग डैश आइडेंटिफायर, डीलक्स टैग डैश टैग, डीलक्स टैग डैश डिस्क्रिप्शन, डीलक्स टैग डैश अमाउंट, ये चारों प्लेस होल्डर आपको इसके गुई के अंदर जहां भी दिखे उसके परसेंटेज को आपको काटना है। सामने के परसेंटेज को काटोगे तो आपको ये कॉमा देना है और पीछे के परसेंटेज को काटोगे तो आपको इसके बंद मतलब ये वाला कॉमा देना है, बंद कॉमा मतलब बंद करने वाला, ठीक। और उसके बाद देखो ये हो गया अमाउंट का डर था, उसी के नीचे आइडेंटिफायर का प्लेस होल्डर है तो इसके परसेंटेज को काट के यहाँ पे ये टैग दे दो मतलब कॉमा दे दो, और इधर में भी परसेंटेज है तो इस परसेंटेज को काट के ये दे दो। ऐसे यहाँ पे देखो डीलक्स टैग में यहाँ पे भी है तो यहाँ पे मैं इसको ये दूंगा और फिर इधर वाले को काट के ये कॉमा कर दूंगा, फिर इसके नीचे भी प्लेस होल्डर है तो उसको भी यहाँ पे ये कॉमा एंड यहाँ पे भी परसेंटेज काट के ये वाला कॉमा, ठीक। फिर मैं नीचे जाओ देखो यहाँ पे भी है, तो जहां जहां आपको ये दिखे बस आपको मतलब परसेंटेज काट के वहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे देना है, ठीक। ये ब्रैकेट देते
लेते रहो और यहाँ पे बंद करते रहो आगे पीछे दोनों तरफ, एक तरफ ओपन ब्रैकेट एक तरफ एंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ओपन एंड कर दिया, उसके बाद आप देखते हैं और कहीं पे है कि नहीं है। तो आई थिंक अब कहीं पे नहीं, नहीं तो इतना ही है बस। ये वाला प्लेस होल्डर नहीं है, ये टैग है ठीक, इसमें परसेंटेज है, मतलब ये प्लेस होल्डर नहीं है, बस प्लेस होल्डर यहाँ तक है बस। आप इतना चेंज करके इसको सेव कर दो, इसको सेव करने के बाद आपका इस प्लग इन का काम हो गया। पर अभी आपको इसेंशियल एक्सेप्ट प्लग इन में थोड़ा चेंज करना है, उसमें आपको ये जो है ना ये वाला प्लेस होल्डर इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ब्रैकेट सही ठीक, ब्रैकेट डीलक्स टैग डैश टैग ये कॉपी कर लो। और उसके बाद प्लग इन पे क्लिक करके प्लग इन के फोल्डर में जाओ और आपको इसेंशियल एक्स का फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इसेंशियल एक्स और इसेंशियल एक्स चैट दोनों प्लग इन डाल के रखा है, तो ये दोनों डाल लेना। और उसके बाद आपको इसेंशियल के फोल्डर के अंदर जाना है, इसके config.yml में जाना है और आपको इसके अंदर एकदम नीचे जाना है, आपको इसेंशियल एक्स चैट का जो सेक्शन है वो ढूंढना है ठीक। तो आप बहुत नीचे जाओगे तो आपको इधर में देखो इसेंशियल एक्स चैट का ये वाला सेक्शन दिख जाएगा, इसके नीचे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप जब पहली बार जाओगे ना तो आपको ये लिखा नहीं होगा, मैंने पहले से करके रखा था, आपका कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा, डिस्प्ले नेम होगा, ब्रैकेट होगा और ये होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले नेम जो है ना उसके बाद ये कॉमा भी नहीं होगा, सॉरी इस कॉमा को मैं काटता हूँ, आपका कुछ ऐसे होगा। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, एक स्पेस देना है और आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करके एक और स्पेस दे देना है ठीक। स्पेस नहीं दोगे तो सटा होगा, स्पेस दे दोगे तो आई थिंक बढ़िया है, स्पेस दे देना। तो आपका कुछ ऐसे कर देना है और उसके बाद इसको करके इसको भी आपको सेव कर देना है। और इसके बाद भी अगर आप सर्वर में जाके इसेंशियल एक्स को रीलोड और डीलक्स टैग को रीलोड करोगे तो वर्क नहीं करेगा, आपको एक बार सर्वर को रीस्टार्ट दोबारा से करना है ठीक। तो अब सर्वर रीस्टार्ट करके अब दिखाता हूं आपको कि जो पहले से टैग है उसको आप वर्क हो रहा कि नहीं, और अगर वो वर्क हो रहा तो न्यू टैग वगैरह कैसे क्रिएट करना है, चलिए वो सब दिखाता हूं, लेट्स गो। तो देखो अगेन हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, आपको गेम के अंदर जाना है, सर्वर को रिफ्रेश करके सर्वर को ज्वाइन करना है और लॉग इन कर लेना है। तो देखो अब हमारा लॉग इन हो गया और अब हमने पहले से वहां पे डीलक्स टैग में यहाँ पे टैग लिखा था तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हो, बट यू डोंट हैव टैग, मतलब सिलेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करूंगा तो मेरा टैग हो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे नाम के बाद इधर तो आपको रैंक आएगा, अगर आपने टैग प्लग इन डाल के रखा है तो रैंक दिखेगा। और उसके बाद आपका नेम और नेम के बाद आपको डीलक्स टैग जो बंदे टैग खरीदेंगे वो टैग दिखेगा और उसके बाद चैट दिखेगा ठीक। और समझ लो आपको नया टैग क्रिएट करना है तो आप टैग स्पेस हेल्प लिखोगे ना तो आपका इसका सारा कमांड आ जाएगा। कि अगर आपको न्यू टैग क्रिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्रिएट करना है तो ऐसे, क्लियर ऐसे, डिलीट ऐसे, सब आप देख सकते हो। जैसे मैं एक क्रिएट करके दिखाता हूँ ठीक, मतलब आपको न्यू टैग क्रिएट करना है, जैसे कि प्रो प्ले प्रो का एक रैंक क्रिएट करना है टैग ठीक, प्रो का। तो आप लिखोगे स्लैश टैग स्पेस क्रिएट, उसके बाद देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर लिखा है, मतलब आप एक नाम नंबर भी लिख सकते हो कि आप उसको पहचान पाओ कि कौन सा है, और या फिर आप टैग भी लिख सकते हो। तो मैं दोनों में प्रो लिख देता हूँ ठीक, पहचान सको। तो ये प्रो और उसके बाद जो टैग क्या दिख के आएगा वो आपको लिखना है तो ठीक। तो आप इसको नॉर्मल प्रो भी लिख सकते हो या फिर जैसे वो नॉर्मल ब्रैकेट में था वैसे आप प्रो लिख दो कि ब्रैकेट में प्रो दिखे, अच्छा लगेगा ठीक। ये हो जाएगा प्रो। और इसको भी कलर में डालना है तो आप यहाँ पे एन सी डाल देते हैं और एन एल डाल देते हैं ठीक। तो एन सी एन एल और मैं प्रो लिख के इंटर कर दिया तो ये मेरा टैग क्रिएट हो चुका है जिसका आइडेंटिफायर भी प्रो है और जो टैग है वो भी रेड कलर में प्रो है ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे टैग्स लिख के इंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दो टैग दिखेगा, एक तो एग्जांपल वाला पहले से था और एक मैंने अभी क्रिएट किया है जो कि प्रो है। अगर मैं आप कोई बंदे इसको खरीदेंगे और उसके बाद आप अगर वो चैट में हेलो लिखेंगे तो उनके नाम के सामने ऐसे प्रो लिख के आएगा कि मेंबर संजीव गेमिंग प्रो। तो आप ऐसे अलग अलग बहुत सारा टैग क्रिएट कर सकते हो, जब से प्रो नू पार्कोरोपी बहुत सारा जो कि मैं कौन सा में बनाऊंगा तो उसमें ऑलरेडी आपको बहुत सारा टैग दे दूंगा, वो आप बस यहाँ पे वो टैग को देख देख के यहाँ पे क्रिएट कर लेना और क्रिएट करके वो सब टैग बना लेना। तो आपको कौन सा के कॉन्फिग में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको बस वो वहां से टैग देखना है और यहाँ पे उन सारे टैग को एक एक करके क्रिएट कर लेना है ठीक। काफी मस्त मस्त मैंने बना के रखा है ओके। तो डीलक्स टैग प्लगइन से बस यही होता है, आप अलग अलग टैग क्रिएट करते हो जिसको बंदे खरीद के अपने नाम के साथ लगा सकते हैं कि चैट वगैरह में वो नाम उनको दिखेगा और उससे कुछ भी नहीं होता है। बाकी इसका कमांड और देख लो, जैसे कि ये तो हमने क्रिएट कर लिया, अगर आपको डिलीट करना है तो आपको टैग डिलीट लिख के जो हमने आइडेंटिफायर प्रो लिखा था वो लिख के इंटर करके डिलीट हो जाएगा। किसी बंदे की लिस्ट देखना है कि कौन कौन सा टैग हमारा क्रिएट है तो आप स्लैश टैग लिस्ट लिखोगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये टैग आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट लिख के वो टैग का नाम लिख के उसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये सब कर सकते हो। अगर आप इन सब का परमिशन देना है ना तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आप परमिशन दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सेल वॉन्ट का परमिशन देना है तो आपको ये वाला परमिशन दे दोगे तो बंदे इसको ये वाला लास्ट का जो सेल वॉन्ट डॉट गिव है ये दे दोगे तो बंदे किसी को भी गिव कर पाएंगे। बाकी आपको ये वाला परमिशन दे दोगे तो बंदे इसको यूज कर पाएंगे। आपको मेन ये दो प्लगइन देना है, गिव वाला तो ऑपरेटर का होना चाहिए, आपको ये यूज सेल वॉन्ट होलोग्राफ और सेल वॉन्ट यूज ये दो परमिशन दे देना है सेल वॉन्ट के लिए। और अगर आपको डीलक्स टैग का
परमिशन देना है तो आप नीचे जाओगे तब परमिशन लिख के आ जाएगा। तो आप देख लो यहाँ से कौन कौन सा परमिशन आप पढ़ के दे सकते हो। बट अगर आप कौन सब के लिए यूज कर रहे हो तो कोई परमिशन मत देना, क्योंकि बंदे कौन सब से खरीदेंगे तो उनको परमिशन मिलेगा और वो यूज करेंगे, वरना कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो कौन सब के लिए आपको परमिशन नहीं देना, बस आपको इसको ऐड करके आपका इसको यूजेज क्या है वो समझ लेना है। ठीक, बाकी परमिशन देना है तो आप वहां से देख के खुद का परमिशन दे सकते हो, अगर आप कौन सब के बिना बस नॉर्मली अपने सर्वर में इसको ऐड करना चाहते हो तो। बाकी पार्ट 3 में बस इतना ही, पार्ट 4 में आपका फाइनली कौन सब पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, आपका पूरा अभी जो कनेक्टेड नहीं है सब कनेक्टेड हो जाएगा और आपका बेस्ट प्रोफेशनल कौन सब बन के रेडी हो जाएगा। तो पार्ट 4 का वेट करो, नेक्स्ट सैटरडे या संडे को आपको पार्ट 4 आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके, चलो बाय बाय।